हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टास्क। फ्रेंड्स, आज का ऐसे है वाटर। वाटर का मतलब होता है पानी। पानी हमारी जिंदगी के लिए यानी कि हम सभी के लिए कितना आवश्यक होता है हम सभी जानते हैं। वाटर पर अक्सर बच्चों को एग्जाम्स में ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है। तो अगर एग्जाम्स में वाटर पर ऐसे लिखने के लिए आए तो हम ऐसे लिखेंगे कि वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है, ये हम सभी जानते हैं। विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल, बिना पानी के जिंदगी इम्पॉसिबल है, यानी कि जीवन नामुमकिन होता है। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव या नामुमकिन। एनिमल्स यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग पर्पस। एनिमल्स यानी जानवर यूज वाटर, वाटर का इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए, एंड बाथिंग पर्पस यानी कि नहाने के उद्देश्य से। प्लांट्स, ट्रीज एंड अदर वेरियस लिविंग बीइंग्स यूज वाटर फॉर इट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल। प्लांट्स, ट्री एंड अदर अनेक प्रकार के जीवित चीज़ें पानी का इस्तेमाल अपने बढ़ने के लिए यानी ग्रोथ के लिए करते हैं, और सर्वाइवल यानी कि जिंदा रहने के लिए करते हैं। विदाउट वाटर लिविंग बींग कांट बी अलाइव, बिना पानी के जीवित चीज़ें यानी कि जो सजीव चीज़ें हैं वो जिंदा नहीं रह सकते। इट इज़ प्रेडिकेटेड दैट द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फाउट फॉर वाटर इफ मैन डजंट लर्न हाउ टू यूज वाटर जुडिशियसली। इट इज़ प्रेडिकेटेड, यह माना जाता है कि अगला जो वर्ल्ड वार होगा यानी कि विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए लड़ा जाएगा, अगर आदमी ये नहीं सीखता है कि पानी को विवेकपूर्ण ढंग से कैसे इस्तेमाल करना है। द ह्यूमन बींग्स नीड टू लर्न टू यूज इट रिस्पॉन्सिबली, इंसानों को ज़रूरत है कि इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करें। सिंस इट इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि यह नॉन रिन्यूएबल मतलब फिर से प्राकृतिक रूप से अपने आप पैदा होने वाली चीज़ नहीं है, संसाधन नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का ऐसे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इसी तरह के और भी ऐसे पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।